अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सतरंगी गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग देख सकते हैं जिस प्लांट पर आज बातचीत करूंगी, वो प्लांट हमारा है एलिफेंट ईयर। इसके पत्ते फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े हैं, इसलिए इस प्लांट को एलिफेंट ईयर के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी मैं मिट्टी की बात करूंगी, केयर कैसे इसकी की जाती है, और फ्रेंड्स इसको किस तरीके की लाइट पसंद है, किस तरीके का फर्टिलाइज़र, फ्रेंड्स सारे टिप्स पर बात करूंगी। तो मेरी वीडियो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखिए, स्किप ना करिएगा। और जो फ्रेंड्स मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो फ्रेंड्स, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी सारी बातें आपको बताऊंगी और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर आप देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस प्लांट की मिट्टी की बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम इसको पॉट में लगाते हैं तो मुझे इसे की मिट्टी तीन हिस्सों में तैयार करना है। एक तो नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है, दूसरे मुझे रेत लेना है, और तीसरे इसमें खाद लेना है, वो चाहे वर्मिंग कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो। तो तीन हिस्से मिलाकर मिट्टी हम इसकी तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स, इसको केवल चिकनी मिट्टी में नहीं लगाना है, क्योंकि जो इसकी रूट होती है, रूट में एक बल्ब टाइप का होता है, और वो बल्ब जो है उसे चिकनी मिट्टी नहीं पसंद होती है। अगर चिकनी मिट्टी में वो लगाया जाएगा तो उसमें मिट्टी में ज़्यादा नमी रहेगी और वो बल्ब हमारा सड़ने लगेगा। तो इसलिए इसके लिए मिट्टी वेल ड्रेन ही होना चाहिए। ये मैं पॉट में लगाने की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। और अगर हम ग्राउंड में लगाते हैं तो फ्रेंड्स, मुझे रेत मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा ग्राउंड में प्लांट लगा हुआ है, और इसकी हाइट भी आप लोग देख सकते हैं, कम से कम नहीं 5 फीट की इसकी हाइट हो गई है फ्रेंड्स। इस तरीके से ये मेरे लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, मैंने ये एक प्लांट लगाया था, एक प्लांट से इसके बहुत प्लांट ये हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो इसकी मिट्टी की बात थी कि पॉट में लगाने पर, मैंने आपको पॉटिंग मिक्स सॉइल बताई है कि कैसे बनाना है। और अगर ग्राउंड में लगाना है तो फ्रेंड्स, जब लगाएंगे तो गोबर की खाद ज़रूर मिट्टी में मिक्स करेंगे और बाकी रेत नहीं मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो इसकी मिट्टी थी। और अब लाइट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सन लविंग प्लांट नहीं है, ये शेड लविंग प्लांट है। और फ्रेंड्स, इसको मतलब ऐसा एरिया पसंद है कि जैसे कोई बड़े प्लांट के नीचे इसको लगा दें, कि यह नमी हल्की सी ज़मीन में इसके नमी भी बनी रहे और इस पर शेड भी रहे, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, इनडायरेक्ट इस पर सनलाइट पड़ना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है फ्रेंड्स। और अगर हमें पॉट में लगाना है तो जो हमारे बड़े प्लांट हो उसके नीचे वो पॉट रख देना चाहिए, तो ह्यूमिडिटी भी बनी रहेगी और ये इससे डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं पड़ेगी, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो ये शेड लविंग प्लांट है फ्रेंड्स, डायरेक्ट सनलाइट इसको बिल्कुल नहीं पसंद है। और पानी की बात करें फ्रेंड्स, तो पानी मुझे इसमें जब देना है जब इसकी ऊपरी लेयर जो है पॉट की, मिट्टी की, वो सूख जाए, और इतनी मत सूखे, बिल्कुल हल्की सी नम रहे मिट्टी, बिल्कुल सूखी ना रहे, भुरभुरी सी ना हो जाए मिट्टी, क्योंकि इस प्लांट को हल्की सी नमी पसंद है। तो इसलिए मिट्टी जो है इसकी हल्की सी नम रहे, तब हल्का सा ही पानी दे, और मिट्टी बस इसकी गमले की जो है हमें नम रखना है, और बिल्कुल वैसी नहीं रखना, सूखी नहीं रखना है, ना बिल्कुल से गीली रखना है। ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी रूट सड़ जाएगी। तो और फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र में इसको गोबर की खाद या वर्मिंग कंपोस्ट हम दे सकते हैं, उसमें ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, जो आपको पता है, जो मैं ग्राउंड में प्लांट लगाती हूँ उसमें साल में एक बार फर्टिलाइज़र देती हूँ गोबर की खाद, और जो मेरे पॉट में लगे हैं उसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। लेकिन इसमें फ्रेंड्स लिक्विड फर्टिलाइज़र भी नहीं देती हूँ, इसमें सिर्फ वर्मिंग कंपोस्ट या पत्ती की बनी खाद मैं मिट्टी में अपने मिक्स करती हूँ, वो भी साल में 2 बार मिक्स कर देती हूँ, और जो ग्राउंड में लगे हैं साल में 1 बार।
और मैं इससे ज़्यादा इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं, ये ग्राउंड से, ये ग्राउंड में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये चल रहा है, और ये इतना बड़ा सा हो गया है प्लांट फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट बहुत ही अच्छा है ग्रीनरी के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि एक प्लांट से हम बहुत से प्लांट बना सकते हैं। ये अपने साथ में बेबी भी प्रोड्यूस करता है और उन्हें अलग अलग हम लगाकर बहुत से प्लांट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप लोग ज़रूर शामिल करिए गार्डन में, ये ग्रीनरी के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। फ्रेंड्स, आप लोग इसके पत्ते देख सकते हैं, बिल्कुल ग्रीन रहते हैं और देखने में फ्रेंड्स ये प्लांट जो है, जैसे हम लोग घुइयां खाते हैं, जो एंटीकोरम जिसे कहते हैं अरबी, तो अरबी के पत्तों की तरह होता है, लेकिन ये अलग मतलब प्लांट है ये। उसके पत्ते गोल तरीके के होते हैं, ये इसके पत्ते एरोहेड की तरह हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है और इजी टू ग्रो है, ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है, बिल्कुल हमें केयर इसमें ना के बराबर करना पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मैंने जितनी जानकारी इसके बारे में थी और मेरा एक्सपीरियंस इस प्लांट के साथ था, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया फ्रेंड्स। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।